हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी होलसेल से दुकान से या कहीं से भी परचूनी की दुकान से सामान खरीदते हैं तो उसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं और किस तरह से उसका हिसाब रखना चाहिए। और इस तरह से बताऊंगा कि आपको हर महीने का एक ही जगह पूरे साल की डिटेल मिल जाएगी। क्या होता है कि हम पर्ची पे ले लेते हैं, उस पर अमाउंट लिख देते हैं और रिसीव अमाउंट भी लिख देते हैं, फिर वो गुम हो जाती तो बड़ी इशू हो जाता है कि कितना मिला कितना नहीं मिला, तो दिक्कत होती है। चलिए आइए चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं डे बुक। आप मार्केट से खरीद सकते हैं डे बुक को, 100-125 रुपये मिल जाती है। तो अपना सबसे पहले दो पोर्शन होते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट। तो रिसिप्ट को हम काट के अपना आइटम लिख देंगे, रिसिप्ट भी लिख सकते हैं जो हमने सामान रिसिप्ट किया है। तो इस तरह से आप लिख लीजिए क्या क्या आपको चाहिए और क्या क्या लेना है, और ये ले जाके दुकानदार से जब सामान निकालेंगे तो उसके आगे वो अपना रेट लिखता रहेगा लिखता रहेगा। मान लो सपोज लिख देते हैं, लिखते चलते हैं 200, 400, 500, एक अंदाजा से लिख देते हैं 300, 800, 400, 500, 600, 500, 1200, ये हो गया डिटेल हिसाब। अब क्या है, यहाँ पे वो खुद ही टोटल कर देगा, टोटल दो सौ, चार सौ, पाँच सौ, सौ, तीन सौ, आठ सौ, चार सौ, पाँच सौ, छः सौ, पाँच सौ, 1200, तो हो गया 5500। अब यहाँ लिख दिया हमने 5500। अब क्या हुआ, 12 तारीख को ही हमने कुछ पैसे इसको दे दिए, तो यहाँ लिख देंगे पैसे जमा 2000 रुपये हो गए। अब क्या हुआ कि बीच में कुछ सामान शॉर्ट हो गया, तो 17 तारीख को हम फिर आगे सामान लेने आइटम परचेज लिख देते हैं। सामान कौन लिखेगा, यहाँ लिख देते हैं 2000 रुपये का होगा, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे ये यूं गोला मार के दुकान वाला साइन कर देता है, जिससे कि उसे कोई याद है क्योंकि ये कॉपी हमारे पास रहेगी। ये साइन कर दिया, अब फिर उसने यहाँ पे भी साइन कर दिया। अब आते हैं महीने के लास्ट में, तो महीने के लास्ट में हम हिसाब करते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं महीने का लास्ट जो होता है 31/5/2023। अब हमारा ये टोटल कितना का हुआ था, टोटल हुआ था 7500 का। आइटम लिख देंगे टोटल आइटम टोटल, और रिसिप्ट में जो पेमेंट की थी हमने, हम खुद लिख रहे हैं पेमेंट कितनी की थी हमने, 2000 की, ठीक है। बैलेंस बच गया हमारा 5500 बैलेंस, तो हम यहाँ पे पेड कर देंगे 5500 रुपये पेमेंट, यहाँ हो गया 0। 31/5/2023 को हमने टोटल पेड करके लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे वो दुकानदार साइन कर देगा आपने, तो ये हमारा इस तरह से हिसाब बन जाएगा पूरा। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कब पैसे दिए कब निकाले, एक ही पेपर पे सारा को सारा हिसाब आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे महीने पे हम यहाँ पे जुलाई का स्टार्ट कर देंगे, अगस्त सितंबर, इस तरह से हम करते रहेंगे। और ईजिली की तरीके से आप अपनी डे बुक मेंटेन कर सकते हो घर के खर्चों के लिए, जो दुकान से सामान खरीदते हो उसके लिए। थैंक्स मेरी वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अकाउंटिंग सॉल्यूशन।